जी मैंने कहा होली की राम राम, क्योंकि अब होली तो होली इसलिए होली की राम राम ही बची है। वेल वेरी गुड इवनिंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, खमा घणी पगे लगना, जादू की छप्पे के साथ बहुत बहुत बधाइयां एक बार फिर से मेरी तरफ से। और रंग जो कि हमें खुश रहना सिखाते हैं, जीना सिखाते हैं, इसलिए रंगों से प्रेरणा लें और खुशियां बांटें, यही तो जिंदगी है। हाँ, वैसे प्रेरणा तो हम नारी शक्ति से भी ले सकते हैं, क्योंकि अपने घर परिवार समाज और संस्कृति को बनाए रखने की जिम्मेदारी वो बखूबी निभा रही है, और इसके साथ साथ प्रोफेशनल फील्ड में भी अपनी अलग अलग भूमिकाओं से देश और समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे रही है। जैसे कि आज की हमारी बिग मेहमान जी 92.7 बिग एफएम, आप सुने पिछले 11 साल से मेरे यानी आपके बिग एमजी रोहित के साथ। ये है हमारा स्पेशल सेगमेंट बिग मेहमान, हर संडे की शाम 5 बजे से 7 बजे तक आप सुनते हैं, जिसमें हम हमारे शहर की एक शख्सियत से रूबरू होते हैं। और इस बार का ये शो इसलिए भी खास है क्योंकि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस है, और आज की हमारी बिग मेहमान एक महिला है, हमारे शहर की पत्रकार श्रीमती उषा जोशी, क्राइम रिपोर्टर, बहुत ही अलग तरह की पहचान है इनकी, तो आज इनसे बात। उषा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रोहित जी। जी, तो आपके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज कहाँ से हुई? सर, मैं एक्चुअल में रहने वाली हूँ हरियाणा, फरीदाबाद की। मेरी स्कूलिंग वही फरीदाबाद हरियाणा की है। उसके बाद में पिताजी और का थोड़ा था कि भाई वहाँ गर्ल्स एंड बॉयज साथ में थे तो उनके साथ में नहीं पढ़ाऊंगा मैं, तो उनकी थोड़ी मानसिकता ऐसी थी, तो इस करके उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको पढ़ना है तो आप बीकानेर ही जाएं, क्योंकि बीकानेर में मेरी दादी जी रहती थी। तो यहाँ पर मैं आई, मैंने बिनानी कॉलेज में अपना एडमिशन लिया, बीए फाइनल ईयर में मेरी एंगेजमेंट हो गई और उसके बाद मेरी शादी हो गई। ये 96 की है और साल भर के अंदर ही मेरा बेटा भी हो गया, और उसके बाद में मैंने लगभग 2-3 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद में वापस मैंने पढ़ाई शुरू की, जिसमें मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया, और सन 2016 में मैंने कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म तथा 2017 में मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स भी इस प्रथम श्रेणी में पास किया। जी, उसके बाद में आप हाउसवाइफ बनकर के ही रही? हाउसवाइफ भी बन के रही, साथ में कुछ ना कुछ करती रही। मैंने स्कूलें पढ़ाई, बच्चे पढ़ाए, ट्यूशन घर पे पढ़ाई, इन बिटवीन मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी किया। अच्छा। लगभग 12 साल तक मैंने ब्यूटी पार्लर चलाया। मतलब 12 साल तक ब्यूटिशियन बनके महिलाओं की सुंदरता में 4 चांद लगाने के बाद उषा जोशी ने बीकानेर की क्राइम रिपोर्टिंग में बेहतरीन काम करने का सार्थक प्रयास किया। कैसे शुरुआत हुई एक पत्रकार के रूप में, बातचीत का सिलसिला आगे जारी रहेगा श्रीमती उषा जोशी से, क्राइम रिपोर्टर 92.7 बिग एफएम पर। मैं आपका बिग एम जी रोहित, हिट गानों के साथ, क्योंकि हिट गाने होंगे ज्यादा, ये है बिग एफएम का वादा।